तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम लोगों को डिस्टेंस नापने का यूज करते हैं मीटर अर्थात लेंथ, और वेट करने के लिए किलोग्राम, ग्राम, और किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लोग लीटर का यूज करते हैं। तो हम लोग जो यूज करते हैं मेजरमेंट में अर्थात लेंथ नापने के लिए मीटर का, हम लोग उसका कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये छोटा है, आसान है, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक है। इसको देखने के बाद कन्फर्म एकदम हो जाओगे, गारंटी के साथ कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, एमएम को क्या बोलते हैं, बोलते रहो मिलीमीटर। वैसे मैंने इसका एक वीडियो दिया हूँ, इसको और क्लियर करने के, थोड़ा सा और डीपली जानने के लिए हमने दूसरा पार्ट बना रहा है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये टोटल सात है। लेकिन कुछ बच्चे पूछे कि सर केवल सात ही होते क्या? नहीं नहीं सात नहीं होते, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम लोगों को बड़े से बड़े मिलते जाएंगे, लेकिन आज मैं कुछ आपको बड़ा दूंगा, राइट। अब देखो ये यहां तक हम लोग जानते हैं कि मिलीमीटर हमारा सबसे छोटा है, मतलब एकदम स्मॉलेस्ट, इन सातों में बात करेंगे। और नीचे दी जाते हैं तो ये ग्रेटेस्ट है कि नहीं है, या क्या है हमारा ग्रेटेस्ट है, मतलब जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, अगर जब नीचे सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा तो वैल्यू बढ़ रही है, अर्थात तो ऊपर सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। यदि मैं पूछता हूँ डेसीमीटर और मीटर में कौन बड़ा है, तो मीटर बड़ा है, क्योंकि नीचे वाला स्थान है मीटर, डेसीमीटर ऊपर, तो ऊपर से नीचे बड़ा। ओके, तो जब छोटे से बड़े में हम लोग चेंज करते हैं, छोटे से बड़े में, अर्थात यदि मैंने को मान के चलो एमएम से चेंज करना रहे किलोमीटर में, मतलब यहां से यहां पर, तो हम लोग क्या करना, जब भी ऊपर से नीचे चेंज करना रहे छोटे से बड़ा में, मतलब मेरे को चेंज करना रहेगा स्मॉलर, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े में चेंज करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 100 या डिवाइड बाय 1000, ऐसे हम लोगों को काम करना होता है। ओके, स्मॉलर टू ग्रेटर 100 होगा, आफ्टर दैट 1000 होगा, जैसे वैल्यू हम लोग बढ़ते जाएंगे 10 होगा, 10000 होगा, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चलते हैं, वैसे मैंने बताया है। ओके, यदि हम दो हम लोग देखते हैं कि सेंटीमीटर से हम लोग किस में जाते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, 1 to 2 स्टेप है, तो इट मीन्स हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1/100, इट मीन्स 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यदि मैं बात करता हूं मीटर से यदि किलोमीटर में जाता हूं, तो देखो मीटर से किलोमीटर, तो 1, 2, 3 मतलब हमको डिवाइड करना होगा 1000 से। ओके, यदि मैं बात करता हूं सेंटीमीटर से, मेरे को हेक्टोमीटर में जाना रहे, तो सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर, इट मीन्स 1, 2, 3, 4 इट मीन डिवाइड करना होगा मेरे को 10000 से। अंडरस्टूड, बातें समझ आ रही है? ओके, तो जैसे मैं कुछ दे देता हूं फिलअप करने के लिए, यहां पर दे दिया 20 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर को चेंज करना है हमको मीटर में। ध्यान से देखेंगे डेसीमीटर से मीटर में बस एक ही कदम है, तो 10 से डिवाइड होगा, तो 20 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कट गया, इट मीन 2 मीटर। बातें समझ आ रही है? फिर से मैं बात करता हूँ 4000 हमारा दे दिया डेसीमीटर, उसको चेंज करना मेरे को हेक्टोमीटर में। ध्यान से देखेंगे डेसीमीटर कहाँ पर है, डेसीमीटर यहाँ पर है, चेंज करना हेक्टोमीटर, तो 1, 2, 3 मतलब 1000 से डिवाइड करना होगा, 4000 डिवाइड बाय 1000 कट करते 3 0 इट मीन्स बचा क्या, 4 हेक्टोमीटर योर आंसर। ओके, ये मैं बोल देता हूँ कि 450 सेंटीमीटर है, इसको चेंज करना है मेरे को डेकामीटर में, सेंटीमीटर है भैया डेकामीटर में, तो 1, 2, 3 1000 से, तो सिंपली हम लोग करते हैं 450/1000, 0 से 0 पर कटा, और फाइनली हमको आया 45/100, और 2 0 है तो इधर को लग गया 0.045 डेकामीटर। बातें समझ आ रही है? तो ऐसे हम लोगों को चेंज करना होता है, जब हम लोग ऊपर से नीचे चेंज करना रहेगा तो मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, ऐसे काम करना भी, इसको साथ साथ में लिखते चलिए तो बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा, जब हम लोग बड़े से छोटे जाएंगे, इट मीन्स हम लोग जब बात करेंगे ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर, जब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, जैसे मैं बोल दिया
कि 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर से मेरे को चेंज करना है हेक्टोमीटर में। ध्यान से देखना, किलोमीटर दिया है, मेरे को जाना है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर यहीं पर, बस एक कदम का फासला, एक कदम मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, बड़े से छोटे में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 × 10 × 8 में हमारा हो जाएगा 100 हेक्टोमीटर। बातें समझ आ रही है? फिर से मैं देखता हूँ कि दे दिया हमारा 2.3 हेक्टोमीटर दे दिया, और चेंज करना है मेरे को डेसीमीटर में, हेक्टोमीटर से डेसीमीटर। तो 1, 2, 3 डिवाइड मल्टीप्लाई कितना करना होगा, 2.3 × 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 2300 डेसीमीटर। जब भी बड़े से छोटे अर्थात नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। नीचे से ऊपर हमको करना होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई की करना होगा। जब ऊपर से नीचे करना होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा ना, डिवाइड। ओके, हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ओके, तो बड़े से छोटे, बड़े से छोटे डिवाइड, छोटे से बड़े मल्टीप्लाई, सॉरी बड़े से छोटे मतलब बड़े से छोटे मल्टीप्लाई करना होगा, छोटे से जब बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। बड़े से छोटे इट मीन्स मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े डिवाइड। ओके, फिर से देखते हैं, 10 सेंटीमीटर दे दिया, सॉरी 40 सेंटीमीटर दे दिया, और मेरे को मान के चलो चेंज करना है मेरे को मीटर में। ये देखो सेंटीमीटर दिया मीटर में, सेंटीमीटर दिया है मीटर में, जाना है ऊपर से नीचे मतलब डिवाइड है। तो 1, 2 तो 40 / 100 यहाँ पर हो जाएगा 0.4 मीटर। ध्यान से इस चीजों को क्लियर करना होगा कि बड़े से छोटे में जाना है कि छोटे से बड़े में, स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है कि ग्रेटर टू स्मॉलर जाना, नीचे से ऊपर जाना है कि ऊपर से नीचे जाना है। इन चीजों को हमको बड़े केयर देख करना होगा, यदि आप केयर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, मैं कुछ दे दे रहा हूं, आप लोग इसे जरूर करिएगा और मेरे को दिखाइएगा, हो सके तो यदि आप मेरे पास आ जाते तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे सकते हैं। ओके, तो मैं आपको कुछ दे रहा हूं, सिंपली आप खटाखट करके करके आप इसे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। 74 सेंटीमीटर इसको चेंज करना है मीटर में, ध्यान से एकदम, 74 7080 किलोमीटर इसको चेंज करना है हेक्टोमीटर में। ओके, इधर को दे दिया 4030 मीटर इसको चेंज करना है हमारा हेक्टोमीटर में। ध्यान से देखना है, तुम साथ साथ लिख चलो, हाँ 3.7 हेक्टोमीटर इसको चेंज करना है हमको डेका मीटर में। ध्यान से देखना है, तुम खटाखट नोट करते चलो, 270 सेंटीमीटर इसको चेंज करना है भैया एमएम में। फिर से देखते हैं, 380 किलोमीटर इसको चेंज करना है भैया मीटर में। ध्यान से एकदम देखते रहो, 3.72 डेकामीटर इसको चेंज करना है हमको डेसीमीटर में। एकदम नज़रिया गड़ा के देखो, एकदम 4732 डेकामीटर नहीं डेसीमीटर कर देते, इसको चेंज कर देते हमको मीटर में। फिर से देखो, हाँ 3070 mm इसको चेंज करना है हमको डेसीमीटर में। एकदम ध्यान से एकदम देखते रहो, इसको चेंज करते रहो, 705 मीटर इसको चेंज करना मेरे को डेका मीटर में। एकदम मैंने आपको 10 दिया, इसको आसानी से चेंज करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि मेरे पास आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, ना आते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ओके, मैं आपको समझूंगा कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं। मैंने आपको 2 वीडियो दिया, उसके मैं दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या तो इंडिस्क्रिप्शन के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। हर तरीके से आप किसी भी प्रकार की गलती ना करिए, मैं आपको समझाने का यार हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि क्या सर किलोमीटर के बाद नहीं कुछ होता क्या, कुछ लोगों ने बोला किलोमीटर के बाद कुछ नहीं होता है क्या। अच्छा देखते हैं, एक चीज यहां पर देखते हैं, यदि किलोमीटर और मीटर का फासला देखते हैं, देखो 3 कदम यहां से, 3 कदम यहां से, बीच वाला फासला हमारा मीटर है। देखो यहां से भी देखेंगे और यहां से भी देखेंगे। यदि मैं बोलता हूं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा तो ध्यान से देखना 1000 मीटर होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखना एकदम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, बड़ा से छोटा में तो 1, 2, 3, 3, 0। इसको हम लोग लिखना चाहें तो 10³ मीटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या। ओके, अच्छा यदि मैं फिर से देखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दूसरा यहाँ से कि 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर को इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 100 मीटर, कोई दिक्कत है क्या। इसको लिख सकते हैं 10^2 मीटर, एंड आउट।
अच्छा फिर से देखते हैं, डेका मीटर, वन डेका मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 मीटर। एनी डाउट, कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं, हम लोगों ने नीचे से देखा, ऊपर से देख लेते हैं कि 1 mm, 1 mm जो है 1 mm की जगह 1/1000 meter लिखेंगे, और फिर से इसको लिख सकते हैं 1/10^3 meter, और फिर से इसको जाएगा तो 10^-3 meter आराम से लिखेंगे। इट मीन्स 1/1000, जितने जीरो उतने ऊपर माइनस पावर लगेंगे। और यदि मैं बात करता हूँ कि 1 cm को मीटर में, तो 1/100 meter होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10^-2 meter। एनी डाउट? और फिर से हमारा 1 dm है, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/10, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 10^-1 meter। इन डाउट, कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से चीज किया, ऊपर से भी हम लोग मीटर में आए और नीचे से भी मीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट, क्योंकि मीटर ही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, हर चीज़ को मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो किलोमीटर को भी मीटर में, हेक्टोमीटर को भी मीटर में, डेका को भी मीटर में, mm को भी मीटर में, सेंटीमीटर, सबको हमने क्या किया कि मीटर में चेंज किया, इसलिए सबका यूनिट हम लोग खास करके से मीटर में ही मेजर करेंगे, ओके। अच्छा देखो, यदि mm से छोटा कुछ होता है तो एक होता है माइक्रो, क्या होता है माइक्रो, ध्यान से देखना, माइक्रो, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो। माइक्रो के बाद हम लोगों को होता है नैनो, माइक्रो के बाद क्या होता है नैनो, नैनो के बाद यदि हम लोग एक चीज और देखते हैं तो जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रांग, क्या देखते हैं एंगस्ट्रांग। इधर साफ साफ हम लोग इधर लिखते हैं, यहां पर यदि छोटा यदि देखा जाए तो मीटर है, अब मीटर के बाद हमारा डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद हमारा mm, इसके बाद से आएगा माइक्रोमीटर, उसके बाद से आएगा नैनोमीटर, उसके बाद से आता है एंगस्ट्रांग, क्या आता है एंगस्ट्रांग आता है, उसके बाद हम लोगों को आएगा पिकोमीटर, उसके बाद से आएगा फर्मीमीटर। ये सब छोटे लेवल में, पहले हम लोग छोटे लेवल, अर्थात mm से छोटा क्या हो सकता है माइक्रो हो सकता है, माइक्रो से छोटा क्या होता है नैनो होता है, नैनो से छोटा एंगस्ट्रांग होता है, एंगस्ट्रांग से छोटा क्या होता है पीको होता है, पीको से छोटा क्या होता है फर्मी होता है, ठीक है। अच्छा हम लोग इसको लिखते हैं, ध्यान से देखना, यहां पर इसको लिखते हैं डेसीमीटर, तो 1 dm इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा वहां पर देखते हैं, 1 dm इक्वल टू हम लोगों ने लिखा 10^-1, 1 dm इक्वल टू 10^-1 meter। एनी डाउट? सेंटीमीटर को लिखा 1 cm इक्वल टू 10^-2 meter, वैसे हम लोगों ने लिखा 1 mm को लिखा 10^-3 mm। एनी डाउट, कोई दिक्कत हो यहां तक तो पूछ सकते हो। यहां तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रह गई बात यदि mm को, यदि आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि mm तक तो 10^-3 आ गया क्योंकि 1, 2, 3 गिन दिए, लेकिन माइक्रो का कहेंगे 10^-4, नहीं नहीं माइक्रो का नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 μm, माइक्रोमीटर को ऐसे हम लोग सिंबल बनाते हैं, माइक्रोमीटर, ध्यान से देखना, माइक्रोमीटर ऐसे कुछ बनाएंगे, माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, तो 1 μm का होता है 10^-6 meter, क्या होता है 10^-6 meter, 1 μm को 10^-6 meter, ओके। अच्छा 1 nm, 1 nm को भैया क्या लिखेंगे, 1 nm शॉर्टकट में लिखते हैं, तो नैनोमीटर को होता है 10^-9 meter, नैनोमीटर, नैनो मतलब 9, नैनोमीटर। एंगस्ट्रांग को ऐसे लिखते हैं 1 angstrom इक्वल टू 10^-10 meter, एकदम इसको याद कर लो। 1 picometer, pm, 1 picometer को होता है 10^-12 meter, कोई डाउट। 1 fermi meter, 1 fermi meter को होता है 10^-15 meter, देखो या कितने छोटे छोटे, माइक्रोमीटर 10^-6 meter, नैनोमीटर 10^-9 meter, एंगस्ट्रांग को 10^-10 meter, पीकोमीटर को 10^-12, फर्मीमीटर को 10^-15। पीको का स्पेलिंग होता है PICO, फर्मी का होता है FERMI, फर्मीमीटर, ओके। तो ये सब चीजें हमारा स्मॉल स्टॉक को, यदि कोई पूछेगा कि mm से भी छोटे कोई होता है, तो mm से छोटे क्या होते हैं माइक्रो, माइक्रो से छोटे नैनो, नैनो से छोटा एंगस्ट्रांग, एंगस्ट्रांग से छोटा पीको, पीको से छोटा फर्मी,
तो छोटा में हम लोगों ने इतना देखा, एकदम इसको एक एक स्टेप लर्न कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, एकदम इसको याद करना जरूरी होता है। जैसे मैं पूछूंगा कि माइक्रोमीटर, तो तुरंत आपको बताना होगा 1 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये सब चीजें हो गई। अब हम लोग यदि बड़े में देखा जाए तो बड़े में भी कुछ होगा कि नहीं होगा, बड़े में हम लोगों ने छोटे में देखा तो बड़े में भी कुछ होगा। तो बड़े में यदि हम लोग देखते हैं तो लिखते हैं मीटर, बड़े में लिखा मीटर, मीटर से बड़ा हम लोग क्या लिखते हैं डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा क्या लिखा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से बड़ा क्या लिखा किलोमीटर। कोई डाउट? अच्छा, यदि हम लोग यहाँ से इनको देखते हैं, यदि इन लोगों को, तो यहाँ से देखेंगे कि 1 डेकामीटर इक्वल टू हम लोग लिखा 10^1 मीटर। कोई डाउट है? 1 डेकामीटर 10^1। दूसरा में लिखा 1 हेक्टोमीटर, क्योंकि बड़े से छोटे जा रहे हैं तो 1 हेक्टोमीटर मतलब 10^2 मीटर, 100 जिसको बोल सकते हैं, 2 कदम है। किलोमीटर हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोमीटर 10^3 मीटर। कोई डाउट है क्या? क्योंकि हम 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10^3, मतलब जितना जीरो उतना पावर, इतना हम लोग। अब इससे बड़ा क्या होगा? आपके पास मोबाइल होगा, और मोबाइल जो होगा ना तो हम लोग यूज करते हैं 1 GB 2 GB KB, ऐसा यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं, तो वहां पर KB यूज करते हैं, KB मतलब किलोबाइट, KB से बड़ा क्या होता है GB होता है। तो वैसे यहां पर होता है 1 GM, GM मतलब क्या होगा गीगामीटर, क्या बोल सकते हैं इसको गीगामीटर, जीजा मत पढ़ना रे बाबा, इसको जीगा बोलते हैं, गीगामीटर, कुछ लोग जीजा पढ़ देंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, 1 गीगामीटर GB जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मीटर लगा तो मतलब बाइट होता है, इधर को मीटर लगा, 1 GM मतलब 1 गीगामीटर इक्वल टू क्या होता है 10^6 मीटर, 1 गीगामीटर इक्वल टू 10^6 मीटर। ओके, अच्छा GB से बड़ा क्या होता है? कुछ गड़बड़ हो रहा है, KB से बड़ा MB होता है ना, तो जीगा नहीं होगा, पहले मेगा हुआ, पहले क्या होगा मेगामीटर, 1 मेगामीटर इक्वल टू 10^6 मीटर होगा, और 1 गीगामीटर इक्वल टू होगा 10^9। अंडरस्टूड? थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो गया, क्योंकि हम लोग क्या होता है KB होता है, KB के बाद MB होता है, MB के बाद GB होता है, GB के बाद TB होता है। तो सिंपली वहीं से बातें हैं, KB मतलब किलो, क्योंकि हम लोग किलोमीटर, B की जगह हमको क्या चेंज करना, B की जगह हम लोग बस हटा देते हैं KB, B की जगह M कर दें, M, यहाँ पर दोनों कैपिटल में करना है M, क्योंकि मेगामीटर, फिर से यहाँ पर GM और यहाँ पर TM, तो किलोमीटर तो हो गया, फिर से मेगामीटर तो 10^6, गीगामीटर 10^9, और उसके बाद से 1 टेरामीटर आएगा, क्या आएगा 13 मीटर, तो 10^12 मीटर, इतना हम लोग देखेंगे, सिंपल सी बात होती है। ठीक है, इतना हम लोगों को देखते हैं इतना। ओके, छोटे में भी देखा, बड़े में भी देखा, छोटे में भी देखा और बड़े में भी देखा। कुछ लोग पूछते हैं कि 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है। 1 लाइट ईयर भी एक हमारा यूनिट है, 1 लाइट ईयर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अच्छा, प्रकाश जो लाइट होता है ना, लाइट मतलब एक लाइट जो होता है एक सेकेंड में हमारा 3 × 10^8 मीटर जाता है। ओके, एक सेकंड में कितना जाता है 3 × 10^8 मीटर जाता है, इसका लाइट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि एक वर्ष में तब कितना जाएगा। अच्छा, एक सेकंड में इतना जाएगा, तो हमको यदि देखते हैं तो एक सेकंड में इतना जाएगा, उसके बाद 1 घंटा में इतना जाएगा, तब 24 घंटा में इतना जाएगा, उसके बाद से 365 मिनट हो गया, घंटा हो गया 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा 24 घंटा, उसके बाद 365 डेज। इतने को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, जितना भी आंसर आएगा वह हमारा होगा 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, ये हमारा लाइट ईयर का, और जो भी आएगा मीटर में होता है, अर्थात लाइट ईयर, एक लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में जितना जो दूरी चलता है लाइट, उसी को बोलते हैं। वैसे लाइट ईयर का यूज सबसे बड़ा यूनिट यही होता है, इससे बड़ा यूनिट नहीं है, लाइट ईयर इज द लॉन्गेस्ट यूनिट, जिसको हिंदी में प्रकाश वर्ष बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग पावर के रूप में ले सकते हैं, समझे बातों को। ओके, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा, तो लाइट ईयर का यदि वैल्यू पता करना हो तो 1 सेकेंड में 3 × 10^8 मीटर जाता है, उसके बाद से 1 सेकेंड में तो 1 मिनट में हो गया, सॉरी यार कुछ मिस्टेक है ना यहाँ पर, 1 मिनट नहीं
हम लोगों को ये हमारा एक सेकेंड हुआ, तब एक मिनट हुआ, तब जाके एक घंटा होगा, तो एक बार और 60 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके काम होगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग लाइट ईयर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो ये रहे आज का मेजरमेंट, सबसे बड़ा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, सब चीज़ मैंने बताया। आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा, ध्यान से देखिएगा इसे, तभी जाके चीज़ें करिए। इसको अच्छे से नोट बनाइए, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये जो मैंने बताया है ना, माइक्रोमीटर, ये सब चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो, मेगा, किलो, व्हाटएवर, जीगा और एंगस्ट्रांग, ये सब चीज़ें जो यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। फिजिक्स के लिए, मैथ में भी कुछ चीज़ें आती है, फिजिक्स में लेते बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप फिजिक्स के इंटरेस्टेड हो, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हो, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़रूरी आपके लिए है, ठीक है। आप इसे देखिए, इसे नोट बनाइए, अच्छे से अच्छे नोट बनाइए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो सके।